छत्तीसगढ़ की बिलासपुर से खबर, जहां पर युवती से 4,70,000 की ठगी की गई है। पार्सल भेजने का झांसा देकर युवती से ठगी की गई। सोशल मीडिया पर दोस्ती का झांसा दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराया और जैसे ही शिकायत की गई ये जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पार्सल भेजने का झांसा देकर युवती से ठगी की गई। सोशल मीडिया पर पहले तो दोस्ती की जाती है और दोस्ती के बाद आपको बता दें झांसी में फंसाया जाता है, जिसके बाद फ्रॉड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4,70,000 की ये ठगी बताई जा रही है और रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी है, किस तरह से ये महिला के साथ ठगी की गई है, क्या खुलासा हुआ है, क्या पुलिस पहुंच चुकी है आरोपियों तक? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ टिकरापारा में रहने वाली जो हेमलता मैत्री है उससे जो है 4,70,000 रुपए की जो है वो ठगी की गई है। और ये जो पूरी ठगी है वो पार्सल भेजने का जो है झांसा देकर ये ठगी की गई है, जिसमें तो पहले सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए जो है युवती से ठग के द्वारा जो है वो दोस्ती की गई। उसके बाद उसे जो गिफ्ट भेजने का बहाना देकर जो है ठग ने उसको अपने झांसे में ले लिया और अलग अलग किस्तों में अलग अलग बहाने करके जो है ठग ने उससे जो है 4,70,000 रुपए की जो है वो ठगी कर ली है। और पीड़िता को जब इसका एहसास हुआ तो उससे आरोपी द्वारा जब ठग लिया गया है तो इसकी शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस से की है। तो सिटी कोतवाली पुलिस जो है अज्ञात आरोपी के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर जो है उस पर फिर हर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो ठग है वो ठगी ठग जितना सातिर है कि वो पहले खुद को जो है वो बर्मिंगम जो सिटी में रहना और ब्रिटिश जो है एयरवे में जो है कमर्शियल पैलेस में काम करने का झांसा देकर उसके पहले दोस्ती की है और उसके बाद जो उसे गिफ्ट देने का जो है वो झांसा दिया गया और उससे जो है अलग अलग किस्तों में इस तरीके की ठगी की गई है। और इसके पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें गिफ्ट देने का झांसा देकर जो है कई बार इस तरीके की घटना को जो अंजाम दिया गया है, जिसमें एक मामला ये भी निकल कर सामने आ रहा है जिसमें सोशल मीडिया के जरिए जो है दोस्ती कर जो है 4,70,000 रुपए की जो है वो ठगी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस अभी इसमें अपराध दर्ज कर ली है और मामले की विवेचना जारी है। चलिए शुक्रिया जानकारी के लिए रोशन। तो देखिए किस तरह से ये फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो दोस्ती की जाती है, फिर झांसे में फंसाया जाता है, फिर तोहफे भेजने के बहाने किस तरह से लाखों की ठगी कर दी जाती है, ये मामला सामने आया है। हालांकि जांच पड़ताल जारी है।